श्रीकाल एंड गुड इवनिंग टू ऑल गिनी टीवी व्यूअर्स। आपकी दोस्त शुभ गुप्ता लोधी, आपकी होस्ट शुभ गुप्ता लोधी आज फिर एक मरतबा आपके साथ। और आप जानते हैं कि हम ये एक निश्चित वाइज हमारा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बड़ी कदावर शख्सियत ख्वाजा नजमुल हसन के साथ। तो जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, हाँ दिखा दे ऐ तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, हाँ दिखा दे ऐ तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू। तो आज हम ख्वाजा साहब जो खुद एक कदावर शख्सियत हैं, जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं निशिस्त वाइज, आज हम मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ख्वाजा साहब से पूछें कि जब आपने इतना काम किया तो आपके जो मेंटोर्स थे, जो आपके उस्तादजा थे, उनके यादें कुछ हमारे साथ शेयर करें और फिर हमें सही तरह से पता चलेगा कि उस्तादजा का क्या रोल होता है एक बहुत बड़ी कादावर शख्सियत बनाने में, जैसा कि ख्वाजा नजमुल हसन साहब हैं। तो आइए बात करते हैं। वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्रिया, थैंक यू शगुफ्ता सर, आपके आने का शुक्रिया। आपको इतनी बिजी लाइफ में भी आप जिस तरह से गिमी टीवी को टाइम दे रहे हैं, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। नॉट एट ऑल, मेरा इट्स माय प्लेजर, क्योंकि मैंने आपके वालिद साहब के साथ बड़ा काम किया हुआ है और स्पेशली कश्मीर के हवाले से। अक्सर जब मुझे जरूरत पड़ती थी आई यूज्ड टू गो टू द रेडियो और मैं वहां से उनसे, मेरे समझे वो भी गुरु हैं, जो जो काम अच्छा करते हैं वो सारे मेरे जो है ना, मैं उनको प्यार करता हूँ। थैंक यू। तो सर आज अच्छा, हम शुरू करना चाहेंगे कि आप देखें, आप अब इतना बड़े ट्रेनर हैं, आप सबको ट्रेन कर रहे हैं, तो जिन उस्तादजा से आपने जिंदगी में सीखा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इस तरह करके आज आप बात करें, तो माइक इज योर्स, स्टार्ट करते हैं वहां से। थैंक यू। आज सैटरडे है ना, 11 जुलाई है 2020। आज हमारे मेरे मेंटोर हैं और गुरु शुएब हाशमी सर की आज 82nd सालगिरह है। अच्छा, बेसिकली हाँ, शुएब साहब जो हैं वो रोल मॉडल हैं फॉर ऑल रावियंस। एक्चुअली शुएब हाशमी डिजर्व्ड मोर रिकग्निशन देन ही रिसीव। अब आप 70s के गवर्नमेंट कॉलेज में रिवाइंड करते हैं हम, जब मैं वहाँ पढ़ता था, मेरे साथ उस्मान पीरजादा थे, सलमान शाहिद थे, अब्बास शफी थे, हसनात अहमद थे, अरशद महमूद थे, नैयरा जो थी वो अक्रॉस द रोड नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में टेक्सटाइल डिजाइनिंग में पढ़ रही थी, और उनकी भी जो गुरु थी वो सलीमा हाशमी, शुएब साहब की बेगम। अब सोचिए कि कितने सारे रिश्ते जो थे ना वो आगे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज से वी यूज्ड टू क्रॉस द रोड और हम एनसीए चले जाते थे, मैं अरशद अपनी गिटार लेके जाते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा ओक ट्री होता है, नेशनल कॉलेज में होता था, अभी भी है, उसके नीचे अरशद अपनी गिटार खोल लेता था, ये जब लंच ब्रेक होता था ना उसमें, और नैयरा बेगम अख्तर के गाने गाने शुरू कर देती थी, बड़ा ही मजा आता था। ये एक टीम की शक्ल बन गई। फिर शुएब हाशमी साहब ने सचगप शुरू किया, उसमें नवीद आजाद भी थी, उसमें सलीमा हाशमी भी थी, उसमें सलमान भी थे, शाहिद भी थे, इरफान खुसट भी थे, अरशद महमूद भी थे, असनात अहमद भी थे। अच्छा, अब आपको बताऊं, नवीद शहजाद जिसको हम निवी कहते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज से रोल ऑफ ऑनर मिला था 1967 में। शी वाज द ओनली खातून जो थी, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट के पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी बात। जी, सचगप जब शुरू हुआ तो हाशमी साहब जो थे ना वो ऑल इन ऑल थे। अब आप देखिए 156G मॉडल टाउन वो रहते थे। हर इतवार को सुबह शुएब साहब की एक ब्लू कलर की फोक्सवैगन होती थी, वो वहां से निकलती थी रिकॉर्डिंग के लिए सचगप की, और जे ब्लॉक से नैयरा को पिक करती हुई, जे ब्लॉक मॉडल टाउन का, नैयरा को पिक किया सबसे पहले, फिर शाहजमाल से नवी शहजाद को पिक किया, फिर इंटरनेशनल होटल से मंसूरा हसन को पिक किया, फिर वारिस रोड से समीना को पिक किया। तकरीबन 1.5 घंटा शुएब साहब का लग जाता था इन बेचारों को पिक करते हुए। फिर उसके बाद लाहौर सेंटर पहुंचते थे, लाइटिंग होती थी, प्रॉप्स, संडे का दिन चूंकि होता था तो उस दिन इतना रश नहीं होता था स्टूडियोज में, तो प्रॉप्स उन्होंने लगानी, मेकअप के लिए सबको भेज देते थे, स्क्रिप्टें उनके हाथ में होती थी। नवी शहजाद लिटिल गर्ल आपको याद होगा, मेरे डैडी बड़े होशियार हैं, वो वाला वो याद, हाँ वो पूरा याद करके ना वो किया करती थी। सलीमा हाशमी आपको याद होगा, बेगम,
एयरपोर्ट या बेगम, हाँ बेगम, या फिर कभी कभी वो अंडा उबालने की तरकीब आपको याद है, जी जी जी। अच्छा, उसके बाद ये होता था कि सबसे पहले जब मेकअप हो चुका होता तो इरफान सबसे पहले रेडी होते थे, इरफान को सेट। अच्छा। और शुएब साहब जो है ना, वो शुएब साहब को तो असबर याद, इरफान के भी मेमोरी बहुत ही, देखिए तीन चार लोग जो थे ना इनमें, नवीद शहजाद की मेमोरी बहुत फोटोग्राफिक थी, सो वॉज छीमी आपा, सो वॉज हाशमी साहब, सो वॉज इरफान, पांच छह लोग जो थे ना वो बेहद अच्छे हमारे टीम में शामिल थे। अच्छा, नयरा का काम था म्यूजिक, गाना गाना। अच्छा, अब वो पहला जब वो हो जाता था, एक बज जाता था ना, एक बजे शुएब साहब ऑडियो किया करते थे नयरा की गाने, जितने भी अगर आपने सुने हो, अभी मुझे लगाया है अपने, बहुत बहुत अच्छे, सावन रुद्र की पवन चली मैंने अभी लगाया, आप चाहें तो उसमें से। अच्छा, फिर ये हुआ कि शायद तूसी होते थे कंपोजर, वो ट्यून बनाते थे, ये ट्यून उन्होंने बनाई थी, शुएब साहब बाजा बजाया करते थे, तबले पे एक और हमारे दोस्त होते थे, वो होते थे इलियास, वो बाहर चले गए। अच्छा, अब एक से दो नयरा ऑडियो कराती थी, दो बजे लंच ब्रेक हो जाता था, लंच ब्रेक में अब आपको पता ही है पीटीवी कहाँ था, पीटीवी रेडियो के साथ था और सारे सिनेमाज वहीं होते थे। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल वहीं पे, अच्छा अब वहां पे कैपिटल सिनेमा के पास जहाँ लक्ष्मी चौक जिसको हम कहते हैं, वहां से हलीम मंगाई जाती थी, मुर्ख चने मंगाए जाते थे, मन्ने के चने जिसको बड़ा मशहूर है लक्ष्मी चौक, मन्ने के चने बहुत खाए हैं हमने भी जिन दिनों में, मन्ने के चने जी बड़े मशहूर, मुर्ख चने भी और अंडे और चने आप जो भी चाहें तो वो ले सकते हैं। अच्छा, सारे कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, देखिये कितनी खूबी थी इन सब लोगों में, वो सारे जॉब कर रहे थे तो उन्होंने उनको पैसे कंट्रीब्यूट करने में कोई वो नहीं था, इसलिए कि मैं खुद अभी प्रोड्यूसर नहीं बना था, सच गप में मैं अभी प्रोड्यूसर नहीं था, मैं असिस्ट कर रहा था मुनीजा हाशमी को। अच्छा, उसके बाद 6 बजे बैकअप हो जाता था। अब नेक्स्ट ये संडे होती थी, मंडे को रात को 12 बजे एडिटिंग होती थी, सुबह 4 बजे तक मैं, अरशद महमूद और शुएब सब आते थे अपनी वही फोक्सवैगन में, हमें उन्होंने पिक करना। अच्छा, उसके बाद हमने 4 जब बज जाते, सर्दी बहुत होती थी, टेंपल रोड बड़ी मशहूर जगह लाहौर की, वहां पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, खोखा बहुत ही अच्छा ढाबा जिसको आप कहते हैं, और वहां पे बंद मक्खन, वो हम खा के ना हम लोग बड़ा ही मजा आता था खा के, फिर हम घरों को, मुझे वो कैंपस ड्रॉप करते थे गार्डन टाउन, और अरशद तो करीब ही रहता था, वो यूज्ड टू गो ऑन हिज मोटरबाइक। तो ये सारी जिंदगी हमारी बहुत ही अच्छी गुजरी। सच कब 1972 में शुरू हुआ, 2 मरतबा स्क्रीन से उतरा वो। अच्छा, अब चूंकि शुएब साहब का जो ह्यूमर और सटायर थी वो लोगों को उस जमाने भी पसंद नहीं आती थी, 72 की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि बड़ा ओपन था, भुट्टो साहब का दौर था, हर चीज चलती थी, मगर असेंबली में सवाल हो जाते थे इसी तरह, और फिर वो उतार दिया जाता था, फिर वो नाराज होकर घर चले जाते थे, फिर मनाने जाते थे असलम अजहर साहब, फिर मना के उनको ले आते थे बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद टाल मटोल 1975 में शुरू किया, उस वक्त प्रोड्यूसर बन चुका था, आई वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट शो, और सारे वही लोग थे। नयरा का पहला गाना मुझे याद है 1975 में फैज साहब ने लिखा था, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, ये गाना उन्होंने स्पेशली लिखा था इस प्रोग्राम के लिए फैज साहब। अब देखिए फैज साहब भी वहीं पे होते थे, जब हम घर में जाते थे रिहर्सल हो रही होती थी बाजे पे नयरा की, तो फैज साहब वहीं होते। भाई देखो, अच्छा नयरा में एक बड़ी खूबी थी, वो जिस कंपोजर या शायर का गाना रिकॉर्ड कराती थी ना, चाहे वो फैज साहब हो, चाहे वो फराज हो, चाहे वो अहमद नदवी कासमी, उनके पास वो जाती थी, कहती थी जी मुझे एकदम पढ़ के आप बताइए, उसकी भी फोटोग्राफी, देखिए कितने अच्छे लोग थे सारे, नहीं कोई परवाह नहीं होती थी। अच्छा, फिर एक मतलब ऐसा भी हो कि ज़िया दौर में शुएब साहब की ट्रांसफर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पिंड दादन खान हो गई। अच्छा, अब वो पिंड दादन खान आप सोचे कितनी दूर है, वो वहां पे बेचारे चले गए, क्या करते, ज्वाइन करने जब गए तो तमाम शागिर्द जो थे वो वहां पे प्रिंसिपल भी थे, उनके कोलीग्स भी थे, उन्होंने बड़े प्यार से उनको रखा 2-3 महीने, जितना भी बीच में छुट्टी लेके चले जाते थे, तकरीबन मैं खाल 1 महीना या 2 महीने वो रहे, फिर उनकी वापस गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रांसफर हो गई। एंड दे रियलाइज्ड, ये ज़िया का दौर था। उसके बाद फिर उन्होंने बलीला शुरू किया, बलीला आपको याद होगा जिसमें शहनाज पहली दफा आए, शहनाज शेख और आसिफ रजा मीर और अली एजाज। बलीला एक गाड़ी का नाम था जो कि छकड़ा गाड़ी थी और वो खड़ी रहती थी हर वक्त। अच्छा, अब इन्होंने कुछ लोगों का कहना था कि ये जी इन्होंने जान के पाकिस्तान बलीला को सिंबॉलिक बनाया, और वो जो अंदर से जो चोर निकलता है अली एजाज, वो है
जो भी है जिसको भी आप सोच लें। अच्छा अब वो सारी बातें गलत थी, बाहर शुएब साहब ने चार एपिसोड्स किए, उसके बाद तंग आके उन्होंने डेवलपमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए, रिसर्च के दफा ही करो टीवी, मैंने काम नहीं करना। उसके बाद वाकई में टेलीविजन पे वो नहीं आए। फिर 2010 में मेरी मुलाकात हुई, उनके बेटे यासिर की शादी थी, बड़ा अच्छे, हाँ हाशमी साहब व्हीलचेयर पे थे मगर वो सफेद उन्होंने पहनी हुई थी, अचकन और शलवार, बहुत अच्छे, बिल्कुल दुल्हा वही लग रहे थे। हाँ। आपको पता ना हाशमी साहब का हसन और हाशम, ही वाज सो गुड लुकिंग। हम लोग तो उनको दूर से देखे, उनके आशिकों की तादाद गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर एनसीए तक फैली हुई थी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा अब शुएब साहब मेरे अभी फिर मुझे मिले 3 साल पहले, फैज मेला आपको पता है हर साल मैं भी उसका एक हिस्सा होता हूं, तो और वो उसमें शबान और जावेद भी आए हुए थे, हम सारे बैठे हुए थे, तो टीना गा रही थी। अब मैं बैठा था बिल्कुल दरवाजे पे, तो पीछे मुझे लगा कि कोई वो लगा है, टायर नहीं होता, टायर सा लगा, मैंने मुड़ के देखा तो हाशमी साहब व्हील चेयर पे थे। अच्छा मैंने टीना से, मैंने कहा टीना हाशमी साहब आ गए। अच्छा अब हम इतने एक्साइटेड हुए, वो बैटमैन उनका साथ था, हम दोनों, मैं एक तरफ बैठ गया उनके एक तरफ और टीना एक साइड में बैठ के, एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग। जितने गाने फैज साहब के थे ना, टीना गाती गई, बहार आई से लेके जितना मेरे दिल मेरे मुसाफिर, जब उन्होंने मेरे दिल मेरे मुसाफिर सुना ना, तो उनकी आंखों में आंसू, अच्छा मैंने आंख यूं पहुंचे उनके आंसू, मैंने उनको इतना प्यार किया, उस दिन मैं उनके हाथ चूमता रहा, देखिए उस्ताद है और वो इतना अच्छा उन्होंने मेरे साथ सलूक किया, मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे सीखा, मैंने लाइटिंग भी सीखी, मैंने साउंड भी सीखी, मैंने हर चीज उनसे सीखी। अब ऐसे लोग अब आपको मिलेंगे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा फिर दूसरे मेरे गुरु मेंटर मोस्ट, अब आप सोचें क्रिस्मैटिक, मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट ह्यूमेन पर्सन ऑन टेलीविजन हैज एवर नोन, अ मैन हु लिव्ड अ लाइफ ऑफ टोटल डेडिकेशन फॉर पीटीवी फ्रॉम 1964 ऑनवर्ड्स। And I know Aslam Azhar sahab, Sir and Nasreen Azhar, since 1974. She works now, Nasreen Bhabhi works for, karti hai, Troubled Women of Pakistan, unke liye downtrodden jo khawateen hoti hai, unke liye kaam kar rahi hoti hai, aur usme bhi koi itna paisa nahi hota, magar chunke shauk hai. Achha, ab 60s mein, main aapko batata chalo, Aslam Azhar sahab ko ek task diya gaya to put the show together. उनकी टीम में फजल कमाल थे, यानी टेलीविजन को उन्होंने कहा जी शुरू करें अब आप 1964 में 26 नवंबर, और फजल कमाल थे उनके साथ, निसार मिर्जा थे, निसार हुसैन थे, आगा नासिर थे, ये उनकी एक टीम थी। अच्छा कुछ तो उन्होंने टैलेंट लिया रेडियो से, अब जितने आप देखें उस जमाने के, फजल साहब रेडियो से आए थे, आगा साहब रेडियो से आए थे, असलम साहब तो रेडियो से नहीं आए थे, बाकी के जहीर भट्टी साहब रेडियो से आए थे, उन्होंने एक टीम इकट्ठी की, उसमें अशफाक अहमद, उनमें शुएब हाशमी, उनमें अनवर सज्जाद। अब उस जमाने में 3 घंटे की ट्रांसमिशन हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, लाइव होती थी और वो 6 to 9, और उसके बाद ये होता था कि एक दिन छुट्टी मंडे को होती थी, क्योंकि वो मेंटेनेंस का दिन होता था, वो कैमरास वगैरह सारा जो था उसको किया। अच्छा अब असलम साहब पिक्ड द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, उन्होंने पहले कुछ तो रेडियो से जैसा मैंने बताया उठाए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ उन्होंने हिस्से, जैसा मैंने आपको बताया कितने नवीश आजाद ये जितने भी हैं, फिर उन्होंने एनसीए लोग उठाए, फिर उन्होंने कनेट कॉलेज की जो क्लास ऑफ 66 थी, जिसमें मुनीजा थी, जिसमें कमल थी, जिसमें शमीम हिलाली थी, जिसमें राणा शेरवानी, उन सबको इकट्ठा किया। अच्छा अब उनका देखें, मैं आपको एक बात बताऊं शुगुफ्ता, उनका जो काम इंटरव्यू करने का ढंग होता था ना, पूछते थे आप कौन, उसने कहा जी मेरा नाम है मुनीजा फैज, आप किसकी बेटी हैं, जी मैं फैज साहब की बेटी हूँ। अब उनसे अब अंदाजा लगाना उन्हें बड़ा आसान था कि फैज की बेटी है, कनेड में पढ़ रही है, तो जरूर उसको क्रिएटिविटी तो होगी, होगी, उन्होंने नहीं पूछना आगे से। अच्छा फिर अब आप कौन है, जी मैं कमल हमीद, आपके वालिद जी, मेरे वालिद नहीं है, मेरी वालदा है मोहनी हमीद, अच्छा उनकी बेटी आप, अच्छा जी वो भी कनेड में थी। फिर राणा आप कौन है, जी मैं राणा शेरवानी हूँ, मेरे वालिद मिनिस्टर अकाउंट्स में होते हैं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ कनेट कॉलेज में, और मैं चाहती हूँ टेलीविजन चले, जी उनको भी ले लिया। अब राणा शेख ये जितने लोग लिए ना उन्होंने, मैं आपको बताता चलू, राणा पहली वुमेन डायरेक्टर थी ड्रामा ड्रामे की, जिन्होंने इन सबको आगे जितने भी हैं, पहले उस्मान पीरजादा को दूसरा आदमी में राणा लेके आई थी, फिर विल्की कॉलिंस का एक नॉवल का जो तर्जुमा सफेद साया आपको याद होगा वो उन्होंने किया,
बहुत कामयाब हुआ। दूसरा आदमी इन्होंने किया माय कजन रेचल, वो भी बहुत कामयाब हुआ। अब इतनी चीजें, ये खवातीन जितनी थी कि उस जमाने में, मैंने एक दफा आपसे पूछा, मैंने कहा था, मैंने एक दफा इनसे पूछा, अभी मुनीजा हाशमी मिली, मैं कहा देखिए आप इतनी खवातीन थी, इस आजकल तो एकदम स्कैंडल बच जाता है कि जी मेल हैरेसमेंट होती है हमें फलाना, तो हंसते तीनों ये सारी खवातीन। अच्छा, ये बिल्कुल दोस्तों की तरह है, मैं आपको ये बात बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुनीजा एक दिन कहती है, अभी पिछले दिनों हंसते हुए कहती, हमें शट अप कॉल देनी आती थी, हम रोती भी जीएम के पास नहीं जाते दुखियारी बन के कि जिसने मुझे छेड़ा, हमें उसी वक्त लपड़ मार देते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए उस जमाने में, ये मैं बात 1964 की कर रहा हूँ, देखिए ना 1965 की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त तसव्वुर भी नहीं था कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां टेलीविजन में जाएंगी और काम करेंगी। अब देखिए, और सारे लोग, तारिक अजीज आए, अच्छा उसके बाद आप अशफाक अहमद आए, अच्छा अब देखिए कितनी अच्छी टीम उन्होंने बनाई। पहला जो पहला दिन था वो तुफैल नियाज़ी से शुरू हुआ, स्टूडियो में लाइट था। हाँ जी, पहले जो म्यूजिक प्रोड्यूसर थे वो फजल कमाल थे। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए असलम साहब ने, टाली थल्ले अशफाक साहब का आपको याद होगा, जो खुश लाहौर है वो उसमें तो गाना भी बना हुआ था। फिर अली फरनून, मंटो राम, खुदा की बस्ती, इंसान और आदमी। अब उस वक्त मैं आपको बताऊं टैगलाइन क्या होती थी टेलीविजन की, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंटरटेनमेंट, बिल्कुल बीबीसी लाइंस पे था ये टेलीविजन जो था। असलम साहब ने यही कंसीव किया था कि ये होगा सेमी सेमी ऑटोनोमस बॉडी होगी जो चला रही होगी, और ये हम सारा जो काम है वो हम करेंगे उसी बीबीसी की तरह, सारा वही फॉर्मेट था। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, इफ्तिखार आरिफ को लेके आए, उबैदुल्ला बेग को लेके आए, कुरैशपुर को लेके आए, उन्होंने कसौटी शुरू, फिर उन्होंने सैयद मजुद्दीन शुरू किया, फिर उन्होंने बज़्मे लैला रूना लैला का प्रोग्राम शुरू किया। अब देखिए पीओडब्ल्यूज की रिटर्न ऑफ पीओडब्ल्यूज की 74 में हमने लाइव हमने किया था कवर उसको। फिर उसके बाद 1974 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, तमाम बड़े बड़े जो थे हमारे, जी हाँ वो की 1974 में, बल्कि मेरी ड्यूटी भी लगी। असलम साहब ने, आपको याद होगा, आगा साहब ने वो एक गाना किया था, वो हम मुस्तफी हैं, हम मुस्तफी, हम मुस्तफी, बिल्कुल याद है, ये देखो उसमें कितना पॉपुलर ये सॉन्ग था, बहुत सुना। अच्छा, अब देखिए असलम साहब जब जब तक एमडी और वो रहे हैं, जरा सा टेलप, उस जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट था तो जरा सा हिल जाता था ना, फेड आउट करते थे फिर टेलप चेंज होता था, फिर अगला टेलप आता था, तो वो अगर कोई हिल जाता था ना उसी वक्त वो देख रहे होते थे और उसी वक्त उसकी खिंचाई हो जाती थी। अच्छा, वीकली मीटिंग्स होती थी हर मंडे को, असलम साहब ने उधेड़ देना है बड़ों, इवन यावर साहब तक डरते होते थे उनसे, किसी की जरूरत, असलम साहब को तो कोई नहीं कह सकता ना, वो कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं कि उन्हें ना पता हो कि ये कि उन्हें यू एवरीथिंग, लाइटिंग क्या है, कैमरामैन क्या है, आप आर्टिस्ट कहाँ भूला है, कहाँ उसने उठाया, क्या किया, सारा कुछ ही न्यू एवरीथिंग। अच्छा, अब ये हुआ कि 20 जुलाई मुझे अच्छी तरह याद है 2014 को मैं उनसे मिलने गया घर, अच्छा घर पे थे। अच्छा, अब देखें मैं जब एंटर हुआ, मैंने देखा घर का सारा प्लास्टर उतरा हुआ था जगह जगह से, सोफों के एक भी एक जैसे सेट नहीं थे सोफे थे। अच्छा, फिर उसके बाद विंडो एसी लगा हुआ था। अच्छा, उसके बाद चाय की कप जो आए वो मुख्तलिफ कलर्स के थे, नसीन भाभी बेचारी आपको पता ही है, सुजुकी गाड़ी थी उनके पास, और मैं जब गया हूं तो हंसते हुए उठे हैं वो अपनी माँ बैठे हुए थे सोफे पे, और एक नई किताब, देखिए उनके पास एक लेटेस्ट किताब असलम साहब को शौक होता था, चाहे कुछ हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए, नई किताब उन्होंने जरूर अपने पास खरीदनी है और पढ़नी है। फिर पूछेंगे लजा क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल। अच्छा, मुझे मैंने मैंने मुझे नसरीन भाभी ने कहा था कि बड़ी जल्दी ये लूज करें अपनी मेमोरी, तो इनको रिकॉर्ड कर लो। मैं उनके पास गया, जी मैं कहने कॉल समबडी एंकरिंग, कहते नहीं तुम कैमरे, तुम मुझे जानते हो सबसे ज्यादा, तुम मुझे जानते हो, तुम कैमरे के पीछे बैठो, मुझसे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैं हसीना मोइन का एक सीरियल था वो करने में चल, मैंने कहा जी मैं वो करके वापस आता हूँ तो फिर इंशाल्लाह। अब वो देखे मैं, मुझे 4 महीने वहां लग गए, जब मैं वापस आया तो उनसे जुदा हो चुके थे, मुझे इस बात का बेहद दुख है। अच्छा, अब देखिए मैं उस वक्त, अब फिर वापस चलते हैं 1976-77 में, लेकिन असलम अजहर साहब हो गए, शोएब साहब हो गए, तो आगे मैं आगे चलता हूँ।
आगे मैं चलता हूँ। अब देखिए मुझे गुरुज तो इतने सारे थे, मगर आई वॉज वेरी लकी, मुझे जो मेरे बॉस भी मिले ना, उन्होंने मुझे बड़ा पैम्पर किया, उन्होंने इतनी टिप्स दी। ये मैं आपको 77-79 का वाक्य सुनाता हूँ। मेरे नए बॉस आए जनरल मैनेजर कमर आफ्ताब अहमद। कमर आफ्ताब अहमद अगर आपको याद होगा, उन्होंने फिल्म भी बनाई, उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामे, गुलाम अब्बास ड्रामे जो थे वो प्रोड्यूस किए थे, अगर आपको याद, आनंदी उन्होंने किया था और भी बहुत सारे। एक दिन अच्छा मैं मीटिंग थी, उसके बाद उनका मुझे जरा कमरे में आओ। मैं कमरे में गया तो कहते नजम तुम्हें मैं एक टिप दूं। मैंने कहा जी बताइए। कहते यहाँ पे इस टेलीविजन सेंटर में शहजाद खलील भी है, सायरा काजमी भी है, नुसरत ठाकुर भी है, यावर हयात भी है, मोहम्मद निसार हुसैन भी है, कमर आफ्ताब मैं खुद हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हें ड्रामे के लिए मुश्किल पड़ जाएगी, तुम अभी नए नए आयो, तुम म्यूजिक क्यों नहीं उठा लेते। अच्छा ये 79 की बात है। मैं उससे पहले दास्तान को और ये सारे प्रोग्राम कर रहा था, टाल मटोल दास्तान को। अब मैंने ज़हन में मैंने कहा जी प्लीज कर दीजिए, मैं तो यंग था, मुझे क्या था। मैंने कहा कर दें। उन्होंने एलोकेट सर्कुलर निकल आया नेक्स्ट दो दिनों में। उसके बाद अगली जो मीटिंग हुई, वीकली मीटिंग है, अक्टूबर की बात है, उनका जी अब हम अगले क्वार्टर में कर रहे हैं तरन्नुम प्रोग्राम नूरजहां का और ख्वाजा साहब रिकॉर्ड करें। मैंने यूं देखा कमर साहब को, किसी ने नूरजहां से पूछा आप पूछेंगे ना, आप जाके उनको रिकॉर्ड आप जाके मिले। मैंने कहा जी मैं तो वो तो आप सुना है बड़ी सख्त तबीयत की है। कहते नहीं आप जाके बात करें उनसे। अच्छा मैं गया तरन्नुम, जो बाकी तो आपको किससे पता ही है, वो भी रिश्ते में मैंने आपको मैडम के तरन्नुम किया। मैंने आगा साहब ने जो आपको टिप दी कि आप म्यूजिक में आगे जा रहा हूँ, आगे आ रहे आगा सब आ गए। अच्छा अब आप सोचें कि कैसे लोग थे। फिर मैंने सुर का सफर किया, मैंने फरीदा खानम किया, मैंने अंदाज अपना अपना किया, मैंने मुसर्रत नजीर के शादी ब्याह के गीत मैंने मेरी पसंद किया, मैंने परवीन शाकिर उस जमाने में आई हुई थी लाहौर सीएसएस एकेडमी में। अच्छा वो स्क्रिप्ट लिखा करती थी मैं ये प्रोग्राम की। अच्छा उसमें एक सिंगर होता था, एंकर कोई नहीं होता था, सिंगर खुद ही अपनी कहानी बताता था। ताहिरा का पहला प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, मेहदी हसन। अच्छा अब मेहदी हसन मेरे कमरे में आके बैठे हुए थे, उन्होंने मैक्सिमम काम खान साहब ने मेरे साथ किया। तो दोपहर को वो 4 बजे आ गए थे, रात को ये ऑडियंस पार्टिसिपेटेड प्रोग्राम होता था जिसमें खुद। अच्छा अब परवीन बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे कागज थमाया, इनको दे दें आज, इन्हें कह ये गा दे। अच्छा अब मैंने थमा, मैंने कहा खान साहब ये परवीन कौन, परवीन। अच्छा वो बड़े उनका आपको पता बेस कितना हसीन होता है, बहुत ज्यादा था जी। कौन है? मैंने कहा जी परवीन शाकिर, बहुत आजकल अच्छा लिख रही है, इनकी खुशबू की। उस वक्त अभी परवीन का नाम नहीं इतना आया था, तो वो बेचारी वो डर भी गई बैठी हुई। तो मैंने कहा इन्होंने ये किताब ये दिया है गजल नई चाह रही आज। कहते आज? मैंने कहा जी हाँ जरा देखिए। अच्छा उन्होंने हाँ भाई खान मामा ठेका लगाओ। अच्छा खान मामा ने तबले पे ठेका लगाया, अब इन्होंने यूं। मैंने कहा जरा देखिए खान साहब ये आ जाएगी दरबारी में राग में। कहती है कहते हैं कि देख दो हमिंग की। अच्छा ये सिंगर्स जो सारे हैं ना बड़े बड़े नाम जो आपको ले रहा हूं मैं, ये कभी भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, ये हमेशा हमिंग करके देख रहे होते हैं, उस वजन से काउंट करते हैं ना उंगलियों में। तो इन्होंने कहा देखो नजम अस्थाई तो बन गई है दरबारी में, अगर अंतरा भी बन गए ना आज मैं ये गा दूंगा। अच्छा। देखिए जब भाग खुले हुए हो ना किसी के तो सारी हाँ। चीजें सारी आसान हो जाती। अब मुझे नहीं पता था कि ये मोमेंट जो ना ये मेमोरी बन जाएगा। उन्होंने हाँ। रात को पहली गजल उन्होंने इससे ओपन किया, कुबकू फैल गई बादशाह और वो सुपर हिट। अब देखिए परवीन मेरे जितना भी मुझे प्यार करती हैं, जितनी किताबों में मुझे उन्होंने लिख के सबसे पहले मेरे बहुत प्यारे दोस्त नजम के नाम, अक्टूबर में वो आई और दिसंबर में उनका इंतकाल, पूरे माह तमाम वो मुझे देके गई। बहरहाल आगे चलते हैं, मेरे नेक्स्ट मेंटोर है जी आगा नासिर। आगा नासिर अच्छा अब देखिए वो ऐसे थे मेरे उस्ताद, डायरेक्टर प्रोग्राम भी थे और हमेशा मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया और मुझे हमेशा इनकरेज किया कोई नया प्रोग्राम करो ना बिल्कुल करो। अच्छा अक्सर वो कहते थे तुम और शोएब मंसूर जो हो ना तुम लोग एकेडमी में अपना वक्त जाया कर रहे हो दोनों एज इंस्ट्रक्टर, तुम लोग जीएम तुम्हें होना चाहिए दोनों को। देखो ऐसे अच्छे जीएम होने चाहिए ताकि वो लोग जो है ना रोल मॉडल होने चाहिए, जितने टेलीविजन पे बड़े बड़े आते हैं एक्टर्स उनको पता तो लगे ख्वाजा नजम और शोएब मंसूर है। हम इनकार ही करते रहे, कितनी दफा मैंने इनकार किया। तो कहते कि देखो एक दिन कमरे में उन्होंने बुलाया नजम
ये जो निकाल दो ये तो अपने जहन से कि जीएम नहीं बनना, तुम पछताओगे। अगर कोई बुरा सा जीएम आ गया और वो तुमसे जलना शुरू कर देगा, तुम्हें प्रोडक्शन नहीं देगा, फिर क्या करोगे? अच्छा मैं हंस पड़ा, कहते एक काम करते मैं तुम्हें दोनों देता हूँ, तुम मैं तुम्हारे सर्कुलर में लिखूंगा कि ये प्रोडक्शन भी करेंगे और ये जनरल मैनेजर भी होंगे। देखो कितने अच्छे लोग थे, कभी ऐसे तुमने ऐसे उस्ताद देखे जो अपने जो नया लड़का उसको कितना प्रमोट करें, कर रहे हैं उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, सही अप्रिशिएट। अच्छा मैं उनको हमेशा आई यूज्ड टू वॉच हिम फ्रॉम अ वेरी लो एंगल, ही वाज लाइक अ डेमिगॉड टू मी। आगा साहब तो आपको पता कितने अच्छे इंसान थे और अपने काम में यकता। जिस तरह मैंने आपको बताया मेहदी जहीर का सोहेल राणा ने कंपोज किया था वो गाना, बेस्ट पी 65 पीस ऑर्केस्ट्रा एवेन्यू स्टूडियोज में पूरे 2 दिन लग गए थे उसको रिकॉर्ड होने में। और आप फिर देखिए उसकी खूबी। अच्छा सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी जो मैं वैसे मैंने आपको अब आज बता रहा हूँ पहली दफा कि मैं इन जितने भी मेरे ये थे ना गुरुज, मैंने उनको सबसे ज्यादा उनकी जो अच्छी क्वालिटीज होती थी ना वो मैं पिक कर लेता था। क्या बात जो वॉच करता था, इन्होंने कैमरा 1 क्यों कट किया आगा साहब ने, ये कैमरा 3 क्यों कट किया, इन्होंने 1, 2, 3 में से 1 क्यों किया। अब मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी कि लॉन्ग शॉट से शुरू किया इन्होंने, फिर मिड में गए, फिर क्लोज ग्रेजुअल जो है ना वो पुराने थे ना उन वो लोग दे वुड नॉट क्रॉस द लाइन, एक क्रॉसिंग द लाइन होती है 360 जब क्रॉस करें ना तो वो उस पे वो हो जाता है। हाँ अच्छा अब ये मैं असल में एक प्रोग्राम मुझे ये अप्रैल 8 अप्रैल 1988 का वाकया है, वहां पे प्रेसिडेंसी में दिलीप कुमार और सायरा बानो आए हुए थे, उनके एजाज में ज़ियाउल्लाह साहब ने प्रेसिडेंट ने उनके एजाज में खाना किया हुआ था, डिनर था रात का, जिसमें तमाम पाकिस्तान से बल्कि बाहर से नाजा सांची स्पेशली टर्की से इनवाइट किया था उसको। ओके अच्छा अब जी अब उसमें मैडम ने गाना था और फरीदा जी ने, क्योंकि दिलीप साहब थे ना। अच्छा अब वो मैडम 3 बजे आपको पता है पंक्चुअल तो बड़ी है रिहर्सल के लिए वो आ गई। अब आके कहती हैं कि चलो जी रिहर्सल करिए, म्यूजिशियंस आ गए हुए थे, तो मुझे कहती है कि नजम गल सुनो, इत्थे सामने से सायरा गुजरी, इन्होंने भी हमें भी शुरू की सायरा बानो। अच्छा अब सायरा बानो ने इनको देख के ना अवॉइड किया और निकल गई। मुझे सलाम नहीं किया, मैं तो नहीं गाऊंगा। अच्छा अब ये कहना था मेरा तो माथा, 3 बजे का टाइम था उस वक्त, तो मैं आगा साहब थे मेरे साथ, मैंने आगा साहब मैंने कहा आगा साहब मैडम कह रही मैंने नहीं गाना, सायरा ने सलाम नहीं किया। अब वो भागे हुए प्रेसिडेंट के पास ज़ियाउल्लाह के पास गए, कहते हैं जी इस तरह। अब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से संभाला ज़ियाउल्लाह साहब ने, बड़े उन्होंने कहा देखें अगर मैडम ने कह दिया है ना अब दुनिया की कोई ताकत उनको जो है ना कन्विंस नहीं कर। अच्छा वो अपनी बात कितनी पक्की होती थी, मतलब जो जी, उन्हें दुनिया की कोई बिल्कुल नहीं, उन्होंने पता था, उनका देखिए उनको गुस्सा भी है और ये बात भी है, उनको पता लग गया था ना सायरा ने सलाम, उनका देखिए अब ये ना करें, अब उनको हम कहते हैं कि आप एज अ चीफ गेस्ट बैठी रहे, आप एज अ यू कम एज अ चीफ गेस्ट, उनको कहा मान गई, इतने भी मान गए क्योंकि आई जो थी वो रह भी वही रही थी और सारा कुछ खाना छाना ये वो ही शी एग्री। फरीदा जी तो थी। अच्छा अब देखिए फौजी तो फौजी होता है ना, उसने कहा ये तो हो गया, अब मरहला बताएं अब सिंगर को आगे क्या। अच्छा मैंने कहा जी मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा जी आपदा परवीन, अभी आपदा का नाम नहीं हुआ था, देखिए 88 की बात है, तो कहते कि कहाँ है वो, मैंने कहा हैदराबाद। अच्छा मैंने बड़े आराम से सॉफ्टली हैदराबाद, उन्होंने घड़ी देखी 3 बजे थे, उन्होंने C-130 भेजा उसी वक्त, रात को 9 बजे पहुंची है वो। हाय ख्वाजा साहब सीवर में तो कानों में दर्द, क्योंकि इतना ऊंचा तो उड़ता नहीं ना, और वो कान उसकी बिचारी वो सिंगर है कहती तो कान फट गए, शाह शाह की आवाज आ रही है मैं क्या गाऊंगी। तो वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छी मियां वहां थे, आपको आप नहीं मिली मैं उनसे, मैडम के साथ होते, मैंने कहा अच्छी मियां जाए जाके टकोर करें इनका फौरी तौर पर। उन्होंने मक्खन असली घी और कपड़े में अच्छी तरह असली घी गर्म करके उनके दोनों तरफ कानों के नीचे रखा तो वो ठीक हो गए। अच्छा अब देखिए किसी का लॉस की देख किसी का गेन, अब देखिए ये एक मेमोरी और ये एक ऐसी चीज बन गई कि आबदा परवीन के रास्ते ऐसे खुले
उस दिन के बाद उन्होंने उस शो के बाद दलीप सर जाहिर है इंडिया इधर मुजफ्फर अली इधर से उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उधर से सूफी क्वीन उधर से दरवेश इधर से ये उधर से वो अब आप देखें भिक्षा के जो गाती थी श्राइन्स में अब वो इतने बड़े बड़े लंदन के बड़े बड़े प्रेस्टीजियस हॉल्स में गा रही है कितनी बड़ी बात है अल्लाह ने जिसको देना हो देखिए मेरी मैं आपसे उस दिन आपने मेरे से पूछा था नजम आपकी सारी इतनी दोस्तियां हैं इन सिंगर्स से नयरा से लेके टीना से लेके आपदा परवीन तो ये क्यों है मैंने आपसे एक अर्ज की थी मैंने कहा देखें ये जितने सिंगर्स है ना ये बिलीव करती है उस्तादी शागिर्दी में Yes. मैंने आपको बताया था कि रोशन आरा बेगम का मैं आपको किस्सा मैं आपको बताने लगा हूं कि रोशन बात थी ये बिल्कुल जी 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 अच्छा वो उनका उस्ताद आदत थे अब्दुल करीम खान किराना घराने के गांव में से बेचारे चलते चलाते कोई 8-10 घंटे का सफर करके घर पहुंचते थे रोशन आरा बाई के घर और कहते थे अब उन्हें छोटी सी एक अस्थाई बता दी अब इसको याद वो तो ब्लॉटिंग पेपर थी उनको तो स्याही चट कहते होते थे कंपोजर्स कहते थे वो बेगम साहिबा तो स्याही चट है उनको कोई चीज दे दो हिफ्ज हो जाता था उनको तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ रोशन आरा इनका नाम कुछ और था उधर जाके मेरे लिए चिलम भर के लाओ चिलमे बहुत भरवाए इन्होंने वो कहीं बेचारी चिलम भर के लाई उसमें हुक्का डाला उसमें तंबाकू डाला गुड़ डाला पानी चेंज किया ला के गुड़ 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 किया तो थोड़ी देर के बाद कहते ये तो कड़वा हो गया तो उसे कहा फिर उसे कहा जाओ दोबारा से चेंज करके आओ पानी कड़वा हो गया अब वो पानी सारा दिन आजमाते थे ये कष्ट होता था अब आप सोचें कि ये जो काम है किस कदर मुश्किल काम है फरीदा जी कहती थी कि मेरा बेस बनाने में आशिक अली खान ने 10 साल लगाए थे ऐसे तो नहीं वो हो जाता आज जाने की जिद ना करो जो एमन में का एमन तो उन्होंने रटा हुआ है आप उन्हें कुछ कह दें एमन में एक दुनी दूनी दो दुनी चार फरीदा जी को कहें वो इतनी खूबसूरती से कहेंगी दो दुनी चार आप हैरान हो जाएंगी कि ये कैसे कह रही है कोई और नहीं कह सकता कोई और उतना बेस नहीं किसी के पास कोई ऑफ बीट नहीं गा सकता फरीदा जी की तरह स्टाइल में कोई आगे से सम नहीं पकड़ सकता कोई आगे से उस तरह की चीजें नहीं गा सकता वो अपने ढंग से गाती हैं चमन में रंगे बहार उतरा अब आप सोचे कितना खूबसूरत गाया हुआ उन्होंने अब ये चीजें तो आपको पता ही है कैसा ये काम होता है काम बड़ा बारीक है तो ये उस्तादों की ट्रेनिंग के कष्ट काटे हुए ना इन सब ऐसे वैसे कष्ट के आप ये हमारी सोच है ये मैं आपको बता दूं देखिए कितने उस्तादों के मैंने नाम आज ले लिए चार तो मेरे अपने बाकी रोशन आरा के और फिर फरीदा खानम के तो ख्वाजे साहब आज का सेशन फरीदा जी के आशीर्वाद मैंने कहा कि आज का आपके साथ हम सेशन के बाद जब मैंने मैडम से कहा ना मैडम मुझे तो जी 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 तो मैं चाह रही हूँ कि आज हम ये वाला सेशन इधर करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं चले ठीक है जी जी थैंक यू सो मच